आपका इस्तकबाल है। आज आयशा के किचन में बन रहा है आमखंड। आमखंड बनाने के लिए हमें चाहिए ये आम का जूस। ये आम को मैंने बारीक कट करके मिक्सर में पीस लिया है। ये शक्कर है, ये ड्राई फ्रूट्स है और ये पानी निथरा हुआ दही है। हमने दही को कपड़े में बांधकर उसका पूरा पानी निकाल लिया था। अब मैं इन चारों चीज़ों को एक पार्ट में मिक्स करूँगी। हमें इसे मिक्सर में नहीं बनाना है, मिक्सर में बनाएंगे तो ये पतला बनेगा और आमखंड गाढ़ा होना चाहिए और इसे बनाने के बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। इसे कम से कम आप 10 मिनट तक इस तरीके से फेंटते रहिए, ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रख दीजिए। ये मैंने इसे अच्छे से 10-15 मिनट फेंटने के बाद इसको मैंने करीब आधा घंटा फ्रिज में रखा है। ये अच्छे से ठंडा हो गया है। ये हमारा आमखंड खाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आयशा का किचन। आज आयशा के किचन में बन रहा है आमखंड।